स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, स्मोकिंग किल्स, लिकर ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। यह चलचित्र एक काल्पनिक कार्य है। हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, समुदाय, संप्रदाय या धर्म का अपमान करना नहीं है। यह चलचित्र और इसके सभी पात्र काल्पनिक है और इनकी किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से समानता केवल आकस्मिक है। बेटा तुम भीख क्यों मांग रहे हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? शिट बेटा, जिनका कोई नहीं होता है उनका भगवान होता है। तुम अपने आप को अकेला मत समझो, तुम्हारे साथ भगवान है ना। तुम बहुत स्पेशल बच्चे हो। ओके, जस्ट सेकंड, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है। मैगजीन देना। ये कुछ मैगजीन है, तुम इन्हें बेचना शुरू करो। इनसे जो पैसे आएंगे उसे अपने लिए यूज़ करना, ठीक है? अब आज के बाद भीख मत मांगना, किसी के सामने हाथ मत फैलाना, इसके लिए चाहे तुम्हें भूखा ही क्यों ना सोना पड़े। ओके, टेक केयर। अरे बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? छोटू। आज से सबको बोल देना तुम्हें कोई छोटू ना बुलाए, तुम्हारा नाम राजा है। राजा, तुमने 7-8 साल बच्चे को मैगजीन बेचने के लिए कहा? क्या इतना छोटा सा बच्चा ये सब कर पाएगा? बिल्कुल करेगा। तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? बच्चे बहुत मासूम होते हैं, उन्हें सिर्फ उत्साह और प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है। उन्हें सही गलत की पहचान नहीं होती, हमें सिर्फ उन्हें सही दिशा में पहुँचाने की ज़रूरत होती है। जिस दिन उनके नन्हे कदम सही दिशा में चलने लगेंगे, उस दिन कोई नहीं बता सकता कि उनके नन्हे कदम कितनी दूर तक जाएंगे। उनके सपनों की कोई सीमा नहीं होती। अबे छोटू, ये सब क्या है? तू पागल हो गया है क्या? अरे पकिया, से मैं भीख नहीं मांगूंगा। ये जो मैगजीन है उनसे जब पैसा आएगा। और आज से मेरा नाम छोटू नहीं है, आज से मेरा नाम राजा है। राजा? अरे कालू, पप्पू, धनिया, अरे जल्दी से आओ। देखो ये छोटू अपना नाम राजा बता रहा है। अरे देख धनिया, ये छोटू अपना नाम राजा बता रहा है। अबे अपना नाम रखने से कोई राजा नहीं बन जाता। ये सब पागलपन की छोड़, तो रात को भीख मांग, धंधे का टाइम हो गया वरना रात को भूखा सोना पड़ेगा। मैं भीख नहीं मांगूंगा। चलो छोड़ो, अपना क्या है वो ही भूखा रहेगा। चलो हाँ, सही बात है। आओ यार, चलो यार। क्या हुआ छोटू, इतना उदास क्यों है? मैगजीन नहीं दिखी क्या? नहीं यार। तो फिर तूने कुछ खाया भी नहीं होगा, चल कुछ खा ले। मुझे भीख के पैसे से कुछ नहीं खाना है। चल और ये पागलपन छोड़, सपने देखना अपने बस की बात नहीं। तू जा यहाँ से, ठीक है? अपना ख्याल रखना। पकिया, मैं छोटू, पहचाना? छोटू तू? तू तो बड़ा आदमी बन गया यार। चल अंदर बैठ। मुझे माफ कर दे यार छोटू, उस दिन हम सब ने तेरा मजाक उड़ा और तूने अपना नाम राजा बताया था, तो वास्तव में राजा बन गया यार। काश हम उस दिन तेरी बात मान लेते तो आज हमें भी कुछ नहीं मांगना पड़ता। अभी भी कुछ देर नहीं हुई है, सिर्फ कोशिश करने की देर है। आप मेरी बहन बनोगी?
मैं आपको अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगा, कपड़े पहनाऊंगा, आज से आप मेरी बहन, ठीक चले। आंटी आज वो हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, पूरी दुकान का ख्याल रखना, मैं आकर हिसाब चेक करूंगा। हाँ भैया जाओ, मैं हिसाब कंप्लीट करके रखूंगा। चला अरवी। बच्चों आप सब कैसे हो? अच्छे भैया, अच्छे हैं। आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आज अपन ABCD पढ़ेंगे। इसे कहते हैं A for apple, B for ball, C for cat। हाय बच्चों, कैसे हो? अच्छे, आप कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। आपका क्या नाम है? सौम्या। और आपका? स्थिति। और आपका? लक्षांत। सौम्या ये क्या है? गिटार। और लक्षांत इसको क्या करते हैं, क्या यूज में आता है? बजाने के। कैसे बजाते हैं? अच्छा, देवेन केबिन में आइए। मैडम सर। आइए। देवेन न्यूज़पेपर में इन पर्सन की फोटो आई है। यस सर। मुझे इन पर्सन की पूरी डिटेल्स चाहिए। ओके सर, मैं पता करके बताता हूँ। देवेन पता करके नहीं बताता हूँ, मुझे आज ही सारी डिटेल चाहिए। ठीक है सर। इनके रिगार्डिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो, सारी इंफॉर्मेशन मुझे इस टेबल में अपनी चाहिए आज। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते। हाँ बोलिए बाबूजी। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। जी आप कौन? बाबूजी आपको याद होगा, कुछ 17-18 साल पहले आपने एक बच्चे को, भीख मांगते हुए बच्चे को कुछ मैगजीन्स दी थी और आपने उसका नाम राजा रखा था। हाँ याद आया बाबूजी। बिल्कुल बाबूजी, वो खुशनसीब बच्चा मैं ही हूँ, मैं ही हूँ वो राजा। ओह क्लियरली, वाह बड़ी खुशी हुई। आओ बेटा अंदर आओ। जी आओ, आओ। हाँ बेटा राजा जी, फिर सुनाओ अपनी कहानी, कैसे बड़े तुम आगे। बाबूजी आपने उस दिन मुझे उस चौराहा पर, हाँ, जो मुझे शब्दों के साथ में आपने उपहार दिया, हाँ, और मेरा नाम दिया, हाँ, उसका मैं जीवन भर आभारी हूँ। और बाबूजी उसी के बाद से आप मेरे एक प्रेरणा स्रोत रहे, हाँ, और मैं काफ़ी टाइम से आपको ढूंढ रहा था आप तक की जान पहुँचने के लिए, और आज देखिए मैं आपके सामने हूँ, जो कुछ भी हूँ मैं आपकी बदौलत। मुझे यकीन था एक दिन तुम जरूर मुझे ढूंढते हुए आओगे। जी जी, ये आपका स्नेह है। आओ भगवान, मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। पहचाना है? नहीं। आओ बैठो। ये राजा है, तुम्हें याद होगा कुछ साल पहले हमने एक भीख मांगते बच्चे को प्रोत्साहित किया था, उसे मैगजीन बेचने के लिए दी थी, तुम्हें याद है? याद तो है। ये वही बालक है, आज बहुत बड़ा आदमी बन गया और हमें ढूंढते हुए यहाँ पर आया। कैसी बात है जी? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे बेटा? बस आप दोनों का आशीर्वाद था और आपकी बताई हुई बातें मुझे इस मुकाम पे लेकर आई हैं। मेरे नन्हे कदमों को जो मार्गदर्शन मिला वो आपकी बताई हुई ही बातों से मिला, और आज जो कुछ भी हूँ मैं आप ही दोनों की बदौलत हूँ। नन्हे कदमों को
तुम्हें सपोर्ट करना है, उन्हें प्रोत्साहित करना है और आगे बढ़ाना है, ये आप मुझे प्रण दो। बिल्कुल बिल्कुल बाबूजी, आपने मुझे इस लायक समझा और आपने मुझे ये मौका दिया। मेरा जीवन का उद्देश्य मैं इसको बनाकर अपनी ओर से पूरा सहायता करूँगा उन बच्चों का जो कि मुझ जैसे थे, और उनके नन्हे कदमों को एक नया दर्शन, एक नया पथ मैं अपनी ओर से बिल्कुल प्रदान करूँगा। मैं परमात्मा को इसके लिए धन्यवाद कहूँगा। जी जी, तो क्या आज एक जिम्मेदारी से मुझे मुक्त किया। जी, आपकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी बाबूजी। बिल्कुल बेटा, कोई भी चीज़ की समस्या हो या कोई चीज़ की ज़रूरत हो आप मुझे याद कीजिए, आपका राजू। ये आपका घर है, जब भी आना है आए, ठीक है जी बाबूजी। बाबूजी मैं फंक्शन में जाना है। जी जी बिल्कुल, चलना है बेटी। बिल्कुल चल। जी बाबू जी बाबू।